कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने से पहले पार्टी जनता से राय लेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के दौरे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की और कई टास्क दिए। उन्होंने बताया कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक नेता दल के नेता रामेश्वर राव और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। जो दो सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं वो कैसे, जो उनका 1-8 महीने का अनुभव है और कैसे उनको क्या मार्गदर्शन दिया जाए, और जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं उनको किस तरह से जो चुनावी तैयारी है उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उस निमित्त वो आए थे और देश देने का काम किया है। सभी सीनियर लीडर्स के साथ बैठक की, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, CLP लीडर, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कई जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर्स हैं उनसे सबसे के साथ बात करके और एक खाका तैयार किया है कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। चुनाव का समय है तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे जनता का मंतव्य लेकर के मैनिफेस्टो तैयार करना, तो उस तरह की सारी चीज़ों को कैसे आगे किया जाए और कैसे उसको बढ़िया तरीके से किया जाए उसको हम लोग करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।